अस्सलामुअलैकुम। तो आज का हमारा टॉपिक है टाइटैनिक मिस्ट्री। 10 अप्रैल 1912 आरएमएस टाइटैनिक, दुनिया का सबसे बड़ा लग्जरियस जहाज अपने जमाने का, अपने पहले सफर पर निकलता है। ये जहाज साउथैम्प्टन से न्यूयॉर्क जा रहा है। इसमें हर तरह के लोग बैठे हैं, बड़े से बड़े एक्टर से लेकर इमिग्रेंट तक, जो अमरीका जा रहे हैं एक बेहतर जिंदगी की तलाश में। इस जहाज की कमान संभाले हैं 62 साल के सीनियर एडवर्ड जॉन स्मिथ। पैसेंजर्स में, मीडिया में और पब्लिक में बहुत एक्साइटमेंट है इस जहाज को लेकर। आखिर ना ये सिर्फ दुनिया की सबसे बड़ी शिप, बल्कि 239 मीटर लेंथ में और 53 मीटर से भी ज़्यादा ऊंची, बल्कि इसमें जो लग्जरी इस्तेमाल की गई है वो इंतहाई दिल दहला देने वाली है। उस जमाने में शिप को बनाने की कॉस्ट पड़ी थी $7.5 मिलियन, जो आज के पाकिस्तानी रुपीस में अगर कन्वर्ट किया जाए तो $800 मिलियन से भी ज्यादा की रकम बनती है। शिप के अंदर की फैसिलिटी और डेकोरेशन किसी 5-star होटल को भी पीछे छोड़ देगी। स्टेन ग्लास की खिड़कियां, दो बड़े बड़े स्टेयर केसेस, एक हेड स्कॉच, टर्किश पूल, इलेक्ट्रिक बाथ, एक जिम, एक बाथ और एक कॉर्ड स्कॉच, 4 restaurant, 4 barber की दुकानें और एक लाइब्रेरी भी थी। बात यहाँ ख़त्म नहीं होती, क्योंकि इसमें जो सेफ्टी फीचर्स थे वो इंतहाई कमाल के थे, जिस वजह से इस टाइटैनिक जहाज को अनसिंकेबल माना जाता था। ऐसा जहाज जो कभी डूब ही नहीं सकता। इस टाइटैनिक जहाज को बनाने वाली कंपनी का नाम वाइड स्टार था, जिन्होंने इस टाइटैनिक जहाज को बनाया था। इस कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट इतने कॉन्फिडेंट थे इस चीज़ को लेकर, इन्होंने पब्लिक के सामने ओपनली कहा था कि ये जहाज अनसिंकेबल है। लेकिन अपने सफर पर रवाना होने के सिर्फ 2 दिन बाद, यानी 12 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक को पहली आइस वार्निंग मिलना शुरू हो जाती है। यानी जिस अटलांटिक ओशियन पर अमेरिका की तरफ ये जहाज बढ़ता जा रहा है, वहाँ आइस मौजूद है, बड़े बड़े बर्फ के पहाड़ मौजूद हैं जो इस जहाज के लिए खतरा हैं। ये वार्निंग कोई इतनी अनयूजुअल चीज नहीं है, क्योंकि समुंदर पे अक्सर गुजरते हुए जहाज एक दूसरे को रेडियो के थ्रू कम्युनिकेट करते रहते हैं कि यहाँ ध्यान से गुजरना, आगे बर्फ है। ये वार्निंग रिसीव करने के बाद टाइटैनिक अपने कोर्स को 2 बार बदलती है, लेकिन अपनी स्पीड कम नहीं करती। 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के साथ ये टाइटैनिक जहाज अपने नक्शे के मुताबिक बढ़ता जा रहा था। 2 दिन बाद 14 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक को 7 और वार्निंग्स मिल जाती हैं। कैप्टन स्मिथ इस वार्निंग को इग्नोर कर देते हैं, इतना ध्यान नहीं देते इस वार्निंग पर। आहिस्ता आहिस्ता सूरज ढलने लगता है, रात हो जाती है। उस रात के बारे में खास है कि उस रात चांद बाहर नहीं आया था, तो विजिबिलिटी बहुत कम थी उस रात। 2 बंदे जो खड़े हुए थे टाइटैनिक के ऊपर, टाइटैनिक की छत पे जो खड़े हुए थे आगे, तो देख रहे थे कि बर्फ के पहाड़ तो नहीं है। आइस वार्निंग जो मिली थी उसकी वजह से देख रहे थे वो आगे, कि टाइटैनिक को कोई उससे प्रॉब्लम ना हो जाए, टकराव ना हो जाए, कोई नुकसान ना पहुंचे। तो देखते देखते उनको थोड़ी देर बाद ही टाइटैनिक के बिल्कुल सामने एक बर्फ का पहाड़ दिखता है। तो उन दोनों में से एक लड़का फौरन घंटी बजाता है, वार्निंग देता है। जो शिप हाथ में होती है, जिसके जो शिप संभाला हुआ होता है, जो शिप चला रहा होता है उस वक्त, वो उसको वार्निंग देता है कि फौरन शिप को सीधे आग की तरफ ले लो, जहां वो बर्फ का पहाड़ होता है उसको सीधे आग की तरफ ले लो, ताकि जो है टकराव ना हो जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत देर हो जाता है, वो बर्फ से टकराव हो जाता है उस शिप का। Many of the wealthy and influential, the band played the gayest tunes and American ragtime dances. The time was 11:40. The iceberg grazed the right side of the ship. And all of a sudden she lifted up quickly. Everything that was movable was going through her. I didn't think it was serious because I didn't think it was possible. A big ship like that would sink. Aur aista aista ship doob jati hai.